हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फर्स्ट डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो की हेल्प से आप 36 साइज से लेकर 46 साइज तक की अफगानी सलवार आराम से बना सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफगानी सलवार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है, जिसमें फ्लोरो प्रिंट दे रखा है। यहाँ पे आप 2.25 मीटर फैब्रिक में 46 साइज तक की अफगानी सलवार आराम से बना सकते हो। इस वीडियो में अफगानी सलवार को बनाने के लिए मैंने ये मेजरमेंट यूज किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट में चेंजेस कर सकते हो। अफगानी सलवार को बनाने का मेथड यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। ये फैब्रिक की ऑन फोल्ड वाली साइड है और दूसरी साइड फैब्रिक की ओपन वाली साइड है। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक को सेंटर से फोर फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे फैब्रिक को मैंने लंबाई में फोर फोल्ड किया है। ये फैब्रिक की फोल्ड वाली साइड है। यहाँ पे मेरे फैब्रिक की फोर फोल्ड में चौड़ाई टोटल 20 इंच है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे सलवार की लंबाई का निशान लगाऊंगी। लंबाई का निशान लगाने से पहले मैं यहाँ पे बेल्ट की लंबाई को माइनस कर दूंगी। मैं यहाँ पे सलवार के बेल्ट की लंबाई 6 इंच रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड 6 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे 36 इंच पे लंबाई का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे सलवार की लंबाई में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे मोरी के फैब्रिक को अलग से अटैच करूंगी, जिसकी लंबाई मैं यहाँ पे 1.25 इंच लूंगी। अब दूसरी साइड भी मैं यहाँ पे 36 इंच पे एक निशान लगा लूंगी। अब इसके बाद दोनों निशानों को मैं आपस में मिलाते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक की ओपन वाली साइड आसन का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैं अफगानी सलवार 40 साइज के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो 40 साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आसन की लंबाई 13 इंच ले लूंगी। अगर आप 42 साइज की सलवार बना रहे हो तो आपको आसन यहाँ पे 14 इंच लेना है, और 44 साइज के लिए आपको यहाँ पे आसन 15 इंच लेना है। अब इसके बाद मैं आसन की चौड़ाई का निशान यहाँ पे 2 इंच पे लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से आसन की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सलवार की मोहरी का निशान लगाऊंगी। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मोहरी का निशान 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। 6.5 इंच पे मोहरी का निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन 9 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो इसमें प्लीट्स का एक्स्ट्रा मार्जिन और बढ़ा के भी ले सकते हो। अब इस निशान को मैं आसन वाले निशान से तिरछा मिला लूंगी। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट टेप की हेल्प से तिरछा निशान लगा लिया है। अब इसके बाद मैं लेग कर्व का यूज करते हुए यहाँ आसन की साइड से 1 इंच का गोलाई का शेप दे रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहां पे मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। आप इसके नीचे वाले साइड के बचे हुए फैब्रिक से यहां पे म्यानी भी लगा सकते हो। मैंने यहां पे सलवार बिना म्यानी की बनाई है। यहाँ पे दोनों साइड सेंटर में कट लगाने के बाद सलवार के फ्रंट और बैक दोनों पैनल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके बाद यहाँ पे सलवार की बेल्ट को कट करूंगी। बेल्ट को कट करने के लिए मैंने यहाँ फैब्रिक को ऑन फोल्ड पे रखा है। यहाँ पे ऑन फोल्ड फैब्रिक की चौड़ाई 16.5 इंच है, जिसमें मैं यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई निकालूंगी
और बेल्ट की लंबाई के लिए मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जिसमें मैंने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। यहाँ पे दोनों साइड 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। निशान लगाने के बाद अब मैं इसे कट कर लूंगी। सेम इसी तरह हमें फैब्रिक का एक और पीस कट करना है, तो मैं इस पैनल को फैब्रिक में रखते हुए एक और पैनल कट कर रही हूं। अब इसके बाद मैं यहां पे दोनों फैब्रिक को ओपन करके एडजस्ट कर लूंगी। दोनों फैब्रिक को एक साथ एडजस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैं बेल्ट हिप साइज के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ। हिप साइज यहाँ पे 40 इंच है, तो 40 इंच को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 20 इंच आया। उसमें मैं एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे 5 इंच प्लस कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे टोटल निशान 25 इंच पे लगा रही हूँ। यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सलवार की मोहरी के फैब्रिक को कट करूंगी। सलवार की मोहरी को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑन फोल्ड फैब्रिक ले लिया है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 16.5 इंच है, जिसमें से सलवार की मोहरी मैं यहाँ पे 13 इंच रेडी रखने वाली हूँ, और उसमें हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। सलवार की मोहरी की चौड़ाई को नापने के लिए मैं यहाँ पे बकरम का यूज कर रही हूँ। आपको जितनी चौड़ी मोहरी रेडी करनी है आपको वो बकरम का पीस ले लेना है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच की मोहरी रेडी करने वाली हूँ, जिसमें आगे की साइड मैंने यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है। दोनों साइड मार्जिन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं इसे यहाँ पे कट कर लूंगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे मोहरी की लंबाई का निशान लगाऊंगी। मैं यहाँ पे सलवार की मोहरी को 13 इंच रेडी रखूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 13 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लिया है। अब मैं बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लूंगी। यहाँ पे मोरी की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पे सलवार की पूरी ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पहले सलवार की बेल्ट को रेडी करूंगी। बेल्ट को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे बेल्ट के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ बेल्ट के एक साइड 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान लगा रही हूँ, और इसके बाद दूसरा निशान मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशान के बीच में 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं बीच में 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सेम इसी तरह इस पे स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैं पहले 1 इंच पे स्टिच लगा रही हूँ, इस स्टिच को मैंने लास्ट में लॉक कर लिया है। उसके बाद मैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस स्टिच को कंप्लीट कर लूंगी। ये स्टिच लगाने के बाद मैं फैब्रिक को ओपन कर लूंगी। इसके बाद मैं इसके किनारे किनारे यहाँ पे स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन मैंने नाड़े के लिए रखा है, जिससे हम बाद में इजिली नाड़ा डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बेल्ट के दूसरी साइड को पूरा स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने बेल्ट के दोनों साइड स्टिच लगा लिया है। अब इसके बाद मैं फैब्रिक को ऐसे ओपन कर लूंगी और जॉइंट को यहाँ पे मैं सेंटर में रख लूंगी।
यहाँ पे आपने जितना भी मार्जिन लिया है ऊपर बेल्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बेल्ट के फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद मैं इस पे स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे सलवार की बेल्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। बेल्ट की फिनिशिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं सलवार के बॉटम पार्ट को रेडी करूंगी। यहाँ पे मैंने सलवार के फ्रंट पैनल को सीधा बिछा लिया है। अब इसके ऊपर मैं बैक साइड के पैनल को सीधा बिछा लूंगी। सलवार के दोनों साइड के फैब्रिक को एडजस्ट करने के बाद अब मैं सलवार के दोनों साइड के आसन को स्टिच कर लूंगी। यहां पे मैं आसन में डबल स्टिच कर रही हूं। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड का भी आसन स्टिच कर लेना है। सलवार के दोनों साइड के आसन को स्टिच करने के बाद अब सलवार के आसन को एडजस्ट करते हुए मैं फैब्रिक को सीधा कर लूंगी। यहाँ पे आपको सलवार के ऊपर ऐसे सेंटर में बेल्ट को भी रख लेना है। उसके बाद दोनों साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसमें आपको प्लेट्स बनानी है। यहाँ पे प्लेट्स आपको आसन की तरफ फेस करते हुए बनानी है, जैसे मैं बना रही हूं। सेम दूसरी साइड भी आपको आसन की साइड फेस करते हुए प्लेट्स को बनाना है। सेम इसी तरह आपको बैक साइड में भी प्लेट्स को बनाना है। यहां पे मैंने दोनों साइड प्लेट्स को बना के पिन से सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने प्लीट्स को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बेल्ट को सलवार के साथ स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैं बेल्ट को उल्टी साइड ऐसे टर्न करते हुए सलवार के घेर में एडजस्ट कर रही हूं। बेल्ट को एडजस्ट करने के बाद अब इसमें मैं आधे इंच का मार्जिन लेते हुए राउंड पे स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने सलवार को बेल्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब मैं इस पे एक टॉप स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे आपको टॉप स्टिच 2 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हुए लगानी है। यहाँ पे मैंने बेल्ट पे टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अफगानी सलवार की मोरी को रेडी करूंगी। यहाँ पे सलवार की मोरी के फैब्रिक में मैंने 1.25 इंच का बकरम पेस्ट कर लिया है और उसके फैब्रिक को मैंने फोल्ड करते हुए आयन कर लिया है। सेम इसी तरह मैंने दूसरे मोरी के फैब्रिक को भी रेडी कर लिया है।
अब इसी पोचे के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लीट्स को एडजस्ट करूंगी। यहाँ पे मैंने सलवार के एक पैनल को सीधा बिछा लिया है। अब इस पे मैं यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे सेंटर में एक बॉक्स प्लेट बना रही हूँ। बॉक्स प्लेट बनाने के बाद अब मैं इस साइड की प्लेट्स को बाहर की तरफ फेस करते हुए बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारी प्लेट्स को आधे इंच का मार्जिन लेते हुए बनाए हैं। यहाँ पे एक साइड की प्लेट्स मैंने कंप्लीट कर ली है। सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड भी प्लेट्स बनाऊंगी। यहाँ पे दूसरी साइड की भी प्लेट्स आपको बाहर की तरफ फेस करते हुए बनानी है, जैसे मैं बना रही हूं। प्लेट्स बनाने के बाद आपको दोनों साइड 1.5 इंच का स्टिचिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। यहाँ पे मैंने सारी प्लेट्स को पिन से सिक्योर कर लिया है। अब एक बार मैं इसे मोरी के भी फैब्रिक से आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरी प्लेट्स मोरी के अकॉर्डिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैं आपको सलवार की एक साइड को रेडी करना बता रही हूँ। सेम इसी तरह आपको सलवार की दूसरी साइड को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने सलवार की प्लीट्स को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके साथ मोहरी यानी कि पोचे के फैब्रिक को भी स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे आपको मैं एक बार मोरी के भी फैब्रिक को फिर से कैलकुलेट करके बता देती हूँ। यहाँ पे मोरी के फैब्रिक पे मैंने 1/2 इंच का बकरम पेस्ट किया है और टोटल मोरी के फैब्रिक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4 इंच ली है, जिसमें स्टिचिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन भी इंक्लूड है। मोरी की लंबाई मैंने यहाँ पे 14 इंच ली है। यहाँ पे मोरी के फैब्रिक को आपको ऐसे ऊपर रखते हुए एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे आपको स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद आपको फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लेनी है। ये अफगानी सलवार की वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है। अब मैं इस फैब्रिक को पलट लूंगी। फैब्रिक को पलटने के बाद अब मैं यहाँ पे इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पे एक स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने सलवार की मोरी को सलवार के साथ स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद सलवार की मोरी को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच चौड़ी गोटा पट्टी की लेस ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपनी मनपसंद कोई भी लेस को ऐड कर सकते हो या आप यहाँ पे सिंपल भी स्टिच लगा सकते हो। मैंने ऊपर की साइड यहाँ पे लेस को स्टिच कर लिया है और नीचे की साइड मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सलवार के दोनों मोरी को स्टिच कर लिया है।
अब मैं सलवार के दोनों साइड के पैनल को फोल्ड करके एडजस्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने सलवार के फैब्रिक को एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे मोहरी का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैं सलवार की मोहरी का निशान 6.5 इंच पे लगा रही हूँ, जो कि हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद ये मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है। सेम दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद इसमें मैं स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मोरी वाली स्टिच को आपको अच्छे से लॉक कर लेना है और उसके बाद आपको निशान पे स्टिच लगाते जाना है। यहाँ पे पहले आपको एक साइड स्टिच लगाते हुए आसन तक स्टिच करना है। उसके बाद आपको दूसरी साइड से फिर से स्टिच स्टार्ट करना है और उसे आसन तक स्टिच करना है। यहाँ पे सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका फाइनल लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सलवार को बनाना काफी सिंपल है, आप घर पे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।